बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। नौ निवेश इकाइयों पर सेबी ने लगाए प्रतिबंध, 8 करोड़ लौटाने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के भाव बढ़े, भाव बढ़कर 15 साल के रिकॉर्ड लेवल के करीब। टाटा समूह की इंजीनियरिंग कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर 500 रूपए के निर्गम मूल्य से 140% उछाल के साथ गुरुवार को सूचीबद्ध हुए। बीएसई और एनएसई पर शेयर निर्गम मूल्य से 140% के उछाल के साथ 1200 रूपए पर सूचीबद्ध हुए और बाद में इनकी कीमत 1400 रूपए तक गयी। अंत में इसका शेयर 1314 पर बंद हुआ, यानी पहले दिन ही निवेशकों को 814 रुपए का जोरदार फायदा हुआ है। कंपनी के सार्वजनिक निर्गम को निवेशकों से 69.43 गुना अभिदान मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें 15 साल के रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गई है। बेंचमार्क थाई 5% ब्रोकन राइस के भाव 2 हफ्तों में $57 यानी करीब 4,750 रूपए बढ़कर $640 यानी करीब 53,325 रूपए प्रति टन हो गए है। यह अक्टूबर 2008 के बाद अगस्त की शुरुआत में हासिल उच्चतम स्तर से कुछ ही कम है। भारत सरकार ने इस साल 20 जुलाई को बासमती चावल को छोड़कर अन्य सभी चावल यानी नॉन बासमती व्हाइट राइस के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और रिटेल कीमतों पर नियंत्रण था। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ से निर्यात पर पाबंदी लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के भाव तेजी से बढ़े हैं। वायर और केबल निर्माता कंपनी अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड को स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड से 47.78 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से नालंदा और गया जिले के लिए RDSS की सरकारी योजना के तहत परियोजना के लिए LTAB केबल की आपूर्ति के लिए है। LTAB केबल्स की आपूर्ति का प्रोजेक्ट मार्च 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा हाल ही में अल्ट्रा कैब को सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से बहुत महत्वपूर्ण अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो कंपनी को वैश्विक आवश्यकताओं के लिए तेल, गैस और रिफाइनरी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए पात्र बनाता है। अल्ट्रा कैब इंडिया भारत में वायर और केबल की एक अग्रणी निर्माता और निर्यातक है। अल्ट्रा कैब के प्रबंध निदेशक नितेश वगासिया ने कहा कि 2007 में स्थापना के बाद से कंपनी तेजी से बढ़ रही है। उपभोक्ता संरक्षण नियामक CCPA ने ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को अपने मंच पर तेजाब की बिक्री रोकने के लिए तुरंत उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। CCPA ने अनिवार्य जरूरतों का पालन किए बिना ई कॉमर्स मंच पर तेजाब की खरीद न करने के लिए भी उपभोक्ताओं को सचेत किया है। CCPA ने एक सुरक्षा अधिसूचना में कहा कि तेजाब विक्रेताओं को अपने साथ जोड़ने से पहले ई कॉमर्स मंचों को अनिवार्य मानदंडों के अनुपालन पर एक वचन पत्र लेना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 9 इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से कम 2 साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ ही उन्हें अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाओं के माध्यम से जुटाए गए 8 करोड़ रुपए 3 महीने के भीतर निवेशकों को लौटाने का निर्देश दिया है। बाजार नियामक ने इन पर कुल 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर 45 दिन के अंदर इसका भुगतान करने को भी कहा है। प्रतिबंधित की गई इकाइयों में योगेश कुकड़िया, राजेश आर कलीडुम्बिल, नितिन राज, सिग्नल 2, नॉइस कैपिटल पार्टनर्स, इन्वेस्ट्रो इन्वेस्टमेंट, SF इंफोसेल, SIS डीजी सेल्स, सिटी वेब सेल्स और ML टेली सेल्स शामिल है। इसके अलावा योगेश, राजेश और नितिन को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधक के तौर पर जुड़ने से भी 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। 9 निवेश इकाइयों पर सेबी ने लगाए प्रतिबंध, 8 करोड़ लौटाने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के भाव बढ़े, भाव बढ़कर 15 साल के रिकॉर्ड लेवल के करीब। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।